सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मोबाइल एयर। पर आज के वीडियो में बात करने वाले हैं रेडमी नोट 40 प्रो प्लस के फ़ोन में ऐप लॉक की सेटिंग कैसे करेंगे, अगर फिंगरप्रिंट ऐड करना है तो ऐड कैसे करेंगे। वीडियो में दोनों सेटिंग एक साथ बताएंगे। सब कुछ पहले यहाँ पे कट कर देना है, अपने फ़ोन की जो सेटिंग होती है गाइस, पहले फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है। जब ओपन करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस हो, ऊपर स्क्रॉल करना है, नीचे आना है, ऐप्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जिसे इस पर क्लिक करते हो नीचे ऐप लॉक का ऑप्शन है, ऐप लॉक वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। नीचे ऑप्शन देखने मिलता है, इस पर क्लिक करके जो भी स्क्रीन पासवर्ड बनाया हो इंटर करना है। अगर नहीं बनाया हो तो यहाँ पे आपको बना लेना है। इसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा, फर्स्ट ऑप्शन देखने मिलता है नीचे नोट न्यू वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करना। लेफ्ट साइड पर नोट न्यू का ऑप्शन है तो इस पर आपको क्लिक करना। इसका जितना नंबर यहाँ पर ऐप सेलेक्ट होगा सबको अनसेलेक्ट कर लेना है, नहीं तो सब ऐप लॉक हो जाएगा। नीचे वाले ऐप लॉक पे क्लिक करना। अगर फिंगरप्रिंट ऐड करना है इसमें यहाँ से फिंगरप्रिंट भी ऐड कर पाओगे। अब जितना एप्लीकेशन को यहाँ से लॉक करोगे सब लॉक भी हो जाएगा। मैं चेक करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऊपर स्क्रॉल करना, फिंगरप्रिंट ऐड करना, ये ऑप्शन को ऑन कर देना है तो फिंगरप्रिंट ऐड हो जाएगा। इसके बाद जो एप्लीकेशन को यहाँ से लॉक किया होगा यहाँ देख सकते लॉक हो चुका है। अब फिंगरप्रिंट से भी चाहोगे तो यहाँ से ओपन कर पाओगे। हमारी वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक कीजिए।